असलकमल दोस्तों आज हम कोवत की कुछ बड़ी और अहम अपडेट जो आ रही हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं जो कोवत में रहने वाले अजनबी भी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है पहली अपडेट ये है कि फ़िलीपीस से डोमेस्टिक वर्करों की वापसी का सिलसिला बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा नए विजे पर यानी नए विजे पर डोमेस्टिक वर्कर फ़िलीपेंस से आने का जो सिलसिला है वो बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा सूत्रों ने बताया कि 9 मार्च को होने वाली बैठक के दौरान इस हवाले से फैसला लिया जाएगा और बहुत ही जल्द जो फ़िलीपीन से डोमेस्टिक वर्कर हैं उनकी भर्ती का जो सिलसिला है वो नए बीजे पर शुरू कर दिया जाएगा तो यहाँ पर खादिम बीजा जो है वो फिलीपीन के वर्करों के लिए बहुत ही जल्द शुरू किया जा रहा है और फिलीपींस से डोमेस्टिक वर्कर कोत के अंदर लाए जाएंगे और इस हवाले से काम वगैरह शुरू कर दिया गया है और जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं उसको फॉलो करते हुए तमाम डोमेस्टिक वर्करों को कोत में एंट्री करने की परमिशन दी जाएगी इसके अलावा आगे बताया गया है अगली अपडेट ये है कि कोत में जो इलीगल लोगों को छूट दी गई है उनका टाइम एक महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है क्योंकि वजह ये बताई जा रही है कि अभी ज़्यादातर फ़्लाइटें बंद चल रही हैं लोग जो है वो सफ़र नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से अभी एक महीने का जो इलीगल लोगों को टाइम लगातार दिया जा रहा है उसको एक महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कोवत तो में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं इसमें कमी देखने में नहीं आ रही पिछले 24 घंटे में एक नए कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड पर आए हैं जबकि टोटल एक लाख बानबे हजार इकतीस मरीज अब तक कोवत में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड पर आ चुके हैं पिछले 24 घंटे में दो लोगों की मौत भी हुई है जबकि टोटल मरने वालों की तादाद एक हो चुकी है पिछले चौबीस घंटे में नौ कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं जबकि टोटल एक मरीज अब तक कोवत में कोरोना वायरस के ठीक हो चुके हैं कोवत में पिछले 24 घंटे में सात लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है जबकि टोटल सत्रह लाख बानबे हज़ार इकतालीस लोगों का अब तक कोवत में कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया जा चुका है कोवत में इस वक्त दस हज़ार सात सौ इक्यानबे केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है जबकि एक सौ सत्तावन केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी कोवत में करोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हार्ड कर दी गई है और जबकि और भी कुछ रूल्स रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड किए जा सकते हैं अगर इसी हवाले से केस कोवैत के अंदर कुछ दिन और अगर निकलते रहे तो आप तमाम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि कोवत में अगर आप लोग मौजूद हैं तो जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं उसकी पाबंदी करें ताकि कोरोना वायरस के केस कोवैत के अंदर कम हो सकें कहाँ पर तीन सौ चार सौ केस आते थे और अभी एक एक हज़ार से ऊपर केस आ रहे हैं तो तमाम लोग जो रूल्स रेगुलेशन है उसकी अगर पाबंदी करेंगे तो इन शाला हालात तो बहुत ही जल्द नॉर्मल हो जाएंगे जिसके बाद फ्लाइटें भी बहुत ही जल्द शुरू हो सक हो सकती हैं तो इसमें तमाम लोगों की यह ज़िम्मेदारी है कि रूल्स रेगुलेशन जो बनाए गए हैं उसकी पाबंदी करें तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको खुद के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट और ताज़ा तरीन जानकारियाँ होती हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती हैं चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ने टॉपिक के साथ अपना ख्याल रखे खुदा हाफिज़